हेलो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल कीप ग्रो प्रॉपर्टी में। फैमिली में आप सभी के लिए एक बार फिर से बिग बी संगबी इको सिटी का प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आप सभी के लिए एक बिग बी का वीडियो बनाया था जिसमें सैंपल फ्लैट मैंने नहीं दिखाया था। उस टाइम पे सैंपल फ्लैट इसका रेडी नहीं था, बट अब इसका सैंपल फ्लैट रेडी हो चुका है। 1 BHK और 2 BHK का मैं दोनों आपको सैंपल फ्लैट आपको मेरे इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है माझीवाड़ा विष्णु मंदिर के पास ये प्रोजेक्ट है, 13 एकड़ में इसका लैंड पार्सल है। बाकी का डिटेल मैं आप सभी को वीडियो के बाद दूंगा। आइए सबसे पहले मैं आप सभी का इसका कुछ सैंपल फ्लैट का वीडियो दिखाता हूँ, 1 BHK और 2 BHK का। उसके बाद मैं आप सभी के इसका रोड मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का रोड आने वाला है। उसके बाद मैं सारा एमिनिटीज वगैरह बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इसके फ्लैट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को इसका सारा डिटेल्स बताऊंगा। रोड देख रहे हैं, ये काशी मीरा से आता है, ये काशी मीरा की तरफ जाता है, टुवर्ड्स गुजरात या थाना जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। सामने देख रहे हैं मेट्रो का जो काम है बहुत जोर शोर में चल रही है। और ये जो रोड देख रहे हैं ये मुंबई दहिसर को कनेक्ट करता है। बॉम्बे साइड में अगर आपको जाना है तो जस्ट यही से ये प्रोजेक्ट के लिए अंदर जाता है। सामने आप देखेंगे तो विष्णु मंदिर है, और ये जो आप होटल वगैरह या फिर दुकान वगैरह जो सामने देख रहे हैं ये सब यहाँ से हटने वाला है। तो अंदर के साइड पे भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोजेक्ट है और किस तरीके से इसका रोड है। दोस्तों अभी हम प्रोजेक्ट की तरफ चल रहे हैं, मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि किस तरीके से रोड जाता है यहाँ पे और कितना लैबियस और कितना अच्छा ये जो है प्रोजेक्ट है। और सामने अगर आप देखते हैं तो एक रास्ता जा रहा है, आप यहाँ से भी इस प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। अगर आप दहिसर साइड से आ रहे हैं तो आप यहाँ से आ सकते हैं, और मीरा रोड से अगर आते हैं तो मेरे साइड से आ सकते हैं। यहाँ सोना होटल है, सोना होटल से जैसे ही लेफ्ट लेंगे तो फिर ये जो है रास्ता प्रोजेक्ट के लिए जाता है। आप देखेंगे ये साइड पे जो है दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, इधर सिर्फ और सिर्फ संगवी इको सिटी का ही प्रोजेक्ट है जो कि 13 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। यहाँ से मैं अभी आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये जो देख रही है विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर माझीवाड़ा ये जगह है फेमस, जो कि बहुत ही फेमस है। ये सब जो देखेंगे ये टोटल हिंदू लोकेलिटी है। यहाँ पे जो सामने जो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग इनका फेज 1 है, जो कि ऑलरेडी 2 से 3 साल पहले डिलीवर कर चुके हैं, लोग इसमें रहने के लिए भी आ गए हैं। और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का जो शेड देख रहे हैं यहाँ पे इनका फेज 5 आ रहा है, जो इनका स्काई राइज 3 बिल्डिंग था वो प्रोजेक्ट यहाँ पे इनका आ रहा है। और अभी मैं आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये जो देखिए ये जो है इसका सामने इसका फेज 1 बिल्डिंग है और यही से हम लोग प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। आप देखेंगे इनका जो है बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू बिग बी इनके प्रोजेक्ट का कोड नेम है। नीचे देखेंगे आपको कमर्शियल शॉप वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे इन्होंने इस प्रोजेक्ट में अलग से एक मंदिर बना के इन्होंने दिया हुआ है, जो कि हनुमान टेम्पल है ये, और हनुमान जी का ये मंदिर है सामने। यहाँ देखेंगे तो एक पानी का टाँकी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इनका जो है नीचे देखेंगे ग्रोसरी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और संगवी स्त्री इको सिटी इनके प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने एक पहले से ही इन्होंने एक BMC को गार्डन बना के दिया हुआ है, मैं भी आप सभी को दिखाता हूँ। ये देखिए ये इनका गार्डन इन्होंने बना के BMC को डिलीवर किया हुआ है। और यहाँ से ये प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं इनका फेज 3 है ये, जिसको वुड्स बोलते हैं, ये वुड्स वाले इनकी प्रोजेक्ट है। और सामने आप देखेंगे आपको पूरा संजय नेशनल गांधी पार्क दिखेगा जो कि पूरा फुल माउंटेन फेसिंग है। और सामने ये जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट भी इन्होंने MBMC को गार्डन बना के दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका 6 एकड़ में सिर्फ प्रोजेक्ट है और 7 एकड़ में इनका गार्डन है, तो ये भी एक गार्डन है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। और आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये यहाँ पे बन रहा है, मैं भी आप सभी को दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं इनका प्रोजेक्ट है, ये इनका सिर्फ इनका ही यहाँ पे प्रोजेक्ट है। ये सामने MBMC गार्डन है। और ये जो देख रहे हैं ये रोड है जो कि MICL से ये रोड आ रहा है 200 फीट रोड, जो कि यहाँ से डायरेक्ट आपको मुलुंड को कनेक्ट करेगा, थाना घोड़बंदर को कनेक्ट करेगा। सामने जैसे कि मैंने आपको बताया ये BMC गार्डन है। और ये इनका ऑर्किड जो इनका बिल्डिंग है ये इनका है, इसका भी पोजीशन देने वाले हैं, 5 से 6 महीने में इसका पोजीशन दे देंगे।
और यहाँ पे ये इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है इनका काम बहुत तेज़ी से चालू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काम वगैरह इनका चालू हो गया है। फैमिली, ये इसका 1 BHK का सैंपल फ्लैट है। इसके बाद मैं आप सभी को 2 BHK दिखाऊंगा। 1 BHK का सैंपल फ्लैट के हम लोग लिविंग एरिया में खड़े हैं। लिविंग एरिया की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो आपको 10 फीट की चौड़ाई मिलती है। वही अगर मैं लंबाई की बात करूं तो यहाँ पे आपको 16 फीट की आपको यहाँ पे लंबाई मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये 10x16 का इसका लिविंग एरिया है। ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग किया हुआ है। उसके बाद भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलता है। ये सिर्फ सैंपल फ्लैट में बनाया हुआ है आपको एक आइडिया लगने के लिए कि आप घर में फर्नीचर करते हैं फिर भी आपके घर में कितना सारा स्पेस बचता है। ये जो जगह देख रहे हैं ये डाइनिंग स्पेस है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सजाया गया है। 4 से 5 लोग आराम से यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं और डाइनिंग टेबल का एंजॉय ले सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे जो लिविंग एरिया में जो है एल साइज का एक सोफा लगा हुआ है, उसके सामने टीवी यूनिट भी बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इसकी बालकनी है। बालकनी की अगर मैं चौड़ाई बात करूँ तो 2.25 फीट की इसकी चौड़ाई है। लंबाई जो है इसकी 9 फीट की लंबाई है। यहाँ से देखेंगे आपको पूरा ओपन भी मिलता है, पूरे बॉम्बे सिटी भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको माउंटेन फेसिंग मिलने के लिए मिलता है। नीचे जो देख रहे हैं अभी आपको ये स्लम एरिया जो दिख रहा है ये सब यहाँ से हटने वाला है, क्योंकि ये सब रोड है और नीचे इन्होंने ये BMC को गार्डन बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है। वापस हम लोग लिविंग एरिया में बालकनी की साइड से हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है जो इस फ्लैट को बनाया हुआ है। जस्ट लिविंग एरिया से अगर आप अंदर आते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे देखेंगे जगवार्स फिटिंग्स लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। इस पर भी आपको टाकी का स्पेस बना हुआ है, बट यहाँ पे पानी 24 आवर्स है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ड्राई एरिया बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया है। इसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई एरिया यहाँ पे रख के नहीं किचन में रखना होता आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। उसके जस्ट सामने ही देखेंगे क्रॉस में आपको किचन मिल जाता है। किचन भी देखेंगे यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है, बट ये मॉड्यूलर किचन दोस्तों जो है सिर्फ सैंपल के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे जो है सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, बट ये सिर्फ ऐसा सैंपल बनाया हुआ है एक आपको एक आइडिया लगने के लिए। यहाँ पे देखेंगे चिमनी का स्पेस जो है छोड़ा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया ये। यहाँ पे देखेंगे आपको ड्राई एरिया किचन के अंदर मिल जाता है और बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है। आप देख सकते हैं आपका अगर इससे भी बड़ा अगर आपका वॉशिंग मशीन है तो वो भी यहाँ पे आ सकता है दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार है। आप सभी आइए एक बार यहाँ पे फ्लैट पे विजिट कीजिए। यहाँ पे हर बैंक से लोन अप्रूव है, आप किसी भी प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पे किसी भी बैंक से आप लोन करा सकते हैं। अभी हम लोग इसके मास्टर बेडरूम में एंटर हो गए। मास्टर बेडरूम की अगर दोस्तों मैं चौड़ाई की बात करूँ तो इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14.5 फीट की दोस्तों इसकी लंबाई मिल जाती है। 14.5 फीट लंबाई दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ये कारपेट है। ये कम से कम 500 स्क्वायर फीट का इसका कारपेट है। वही अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो आपको यहाँ पे चौड़ाई 10 फीट की मिल जाती है। इतना बड़ा बेडरूम दोस्तों आपको शायद ही किसी 1 BHK के फ्लैट में देखने के लिए मिला होगा। उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कवर्ड स्पेस बना हुआ है। कवर्ड स्पेस बनने के बाद भी इतना बड़ा बेड है, इसके अंदर 7x7 का बेड रखा है, फिर भी बहुत सारा स्पेस है। यहाँ पे आप 10x12 का भी बेड रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका वॉशरूम एंड टॉयलेट मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे सिरा प्रोडक्ट जो है इसका फिटिंग्स है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही लग्जरियस ये फ्लैट है। इतना बड़ा फ्लैट दोस्तों मैं दवा के साथ बोल सकता हूँ कि आपने नहीं देखा होगा, इतना बड़ा 1 BHK। इसके अंदर आपको बालकनी नहीं मिलती है, बट फ्लैट आपको काफी बड़ा काफी लग्जरियस मिलता है। यहाँ से भी देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा ओपन भी मिलता है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार बनाया हुआ इस फ्लैट का। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी आइए और एक बार इस फ्लैट के ऊपर विजिट कीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बहुत ही कमाल का ये प्रोजेक्ट है। आप सभी को एक बार आना चाहिए यहाँ पे और आइए, जरूर से जरूर आइए। ये अभी हम लोग फ्लैट से बाहर निकल रहे हैं, तब ये फ्लैट आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया हुआ है दोस्तों। इसके बाद मैं अभी आप सभी को इसका सारा डिटेल्स बताता हूँ, तो आइए हम अभी आप लोग को इसका सारा डिटेल्स बताता हूँ, आप लोग इसको डिटेल के तरफ चलिए। दोस्तों ये 2 BHK के हम लोग सैंपल फ्लैट में आ गए हैं। आप सभी देख सकते हैं इसका जो सैंपल फ्लैट है फर्नीचर के साथ में रखा हुआ है।
ये इसका डाइनिंग एरिया है। अगर डाइनिंग एरिया की चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम ये 6 फीट की आपको चौड़ाई मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद भी आपको 5.25 फीट की यहाँ पे आपको आने जाने की जगह मिल जाती है। सामने देखेंगे तो ये फर्नीचर का ही किया हुआ है जो कि इस फ्लैट के साथ में नहीं मिलने वाला है। ये सब एक फर्नीचर लगाया गया हुआ है आपको एक आइडिया आने के लिए। इसका अगर कारपेट की मैं बात करूँ तो 790 का इसका यूजेबल कारपेट है और 680 का इसका रेरा कारपेट है। बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्ट है। ऊपर देखेंगे अगर फॉल्स सीलिंग करने के बाद भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है जो कि फॉल्स सीलिंग भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सब एक डिजाइन बनाया हुआ है, एक सैंपल फ्लैट बनाया गया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके का फ्लैट इसके अंदर आपको मिलता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे आपको बालकनी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी बालकनी अगर आप देखेंगे तो ये 3 फीट की बालकनी है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाहर देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाया था कि ये सब MBMC 10 का गार्डन है और इसके बाद ये सब लाइफ टाइम ओपन व्यू है। आइए इसके बाद मैं आप सभी को इसका किचन दिखाता हूँ और कॉमन वॉशरूम टॉयलेट दिखाता हूँ। कितना सारा स्पेस है, कितना अच्छा ये वीडियो है और कितना अच्छा ये फ्लैट है। दोस्तों जनरली आप सभी देखते हैं कि कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट के ठीक सामने जो इसका किचन होता है, किचन का गेट रहता है यानी आमने सामने यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आपको फर्स्ट में ही पहले किचन मिलता है। राइट हैंड साइड में किचन देखेंगे कितना बड़ा किचन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रिज का एक जगह बना हुआ है जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। उसके बाद दोनों साइड यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म करके मिलता है। मॉड्यूलर किचन नहीं है, बस ये एक डिजाइन बनाने के लिए कि आपको समझ में आने के लिए ये चीज बनाया गया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो RO के लिए, प्योरीफायर पानी के लिए भी यहाँ पे पहले से पॉइंट बना के दिया गया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ड्राई एरिया मिल जाता है कि जो कि 4 फीट की इसकी ड्राई एरिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। अभी मैं आप सभी को बता दूं, ये जो देख रहे हैं ये इसका कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट है। कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट में देखेंगे आपको सारा फिटिंग्स लगा के जैगवार्स फिटिंग आपको मिल रहा है। इसमें पानी दोस्तों 24 घंटा है, फिर भी टाँकी का लॉक एक बना के दिया हुआ है। अगर आपको कभी पानी की लगे इसी की नहीं मुझे पानी की एक्स्ट्रा जरूरत है तो आप यहाँ पे टाकी लगा सकते हैं और वहाँ पे भी पानी स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉमन इसका बेडरूम देखने के लिए मिलता है। कॉमन बेडरूम देखेंगे तो ये चिल्ड्रेंस लॉ के तरह ये बना के इसमें रखा गया है, डिजाइन बनाया हुआ है कि अगर आपके घर में बच्चे लोग हैं तो दो तरीके से आप इस तरीके से बेड लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक कवर्ड स्पेस बनाया हुआ है। उसके बाद भी आप देखेंगे तो आपको कम से कम यहाँ 6.25 फीट की यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। यहाँ पे एक स्टडी टेबल जैसा भी बना है तो ये एक डिजाइन बना हुआ है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको एक अगेन बालकनी मिल जाती है और जो कि बहुत बढ़िया है। ये आपको बिगबी में बालकनी कॉमन बेडरूम में नहीं मिलता है। अगर इसका बड़ा एरिया देखेंगे 790 वाला, उसके अंदर आपको मिल जाएगा बालकनी। और सारे फ्लैट्स में नहीं है, इनके सारे इसमें नहीं है, ड्राई एरिया आपको मिल जाता है। अभी हम लोग मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फिटिंग्स वगैरह हर एक चीज लगा हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों जैसा कि अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में अगर हम लोग आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहले इसका वॉशरूम एंड टॉयलेट देखने के लिए मिलता है। इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इसमें स्पेस है। नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको कम से कम 4 फीट की चौड़ाई और 7 फीट की इसकी लंबाई मिल जाती है। मास्टर बेडरूम में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक कवर्ड स्पेस बनाया हुआ है। ये कवर्ड स्पेस डिजाइन आपको मिलेगा बनाने के लिए, कवर्ड आपको अलग से बनाना है। बेड अगर आप देखेंगे तो 6x7 का बेड रखा हुआ है। उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो आपको टोटल यहाँ पे 12 फीट की चौड़ाई मिल जाती है। और अगर लंबाई की मैं बात करूँ तो लंबाई इसका आपको कम से कम जो है वो 10 से 12 फीट की मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो है TV का यूनिट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बेड रखने के बाद भी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, आने और जाने की 2 फीट की स्पेस है। यहाँ पे भी देखेंगे आपको बालकनी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा फ्लैट जो है इसका, काफ़ी बड़ा फ्लैट है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी आइए और एक बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट कीजिए, इसको देखिए। ये टोटल हिंदू लोकेलिटी है, ये इसका लैंड पार्सल 13 एकड़ में है। तो आइए दोस्तों अभी मैं आप सभी को इस प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स बताता हूँ। फैमिली अभी मैं आप सभी का इसका सारा डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी होने वाले है, कितने दूर पे आपको स्कूल कॉलेज बस ये सारी चीज़ें मिलने वाले हैं,
इस प्रोजेक्ट का कितना कारपेट है, कितना फ्लैट है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिल्डिंग है 40 माले की ये बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे इसका कमर्शियल आ रहा है, 3 लेवल आपको पोडियम कार पार्किंग मिलता है और एमिनिटीज आपको एक पोडियम पे मिलता है, दूसरा एमिनिटीज आपको जो है रोप टॉप पे मिलता है 40 माले पे। फर्स्ट फ्लोर से लेकर 39 स्टोरी का रेसिडेंटियल टावर है, जहां से आपको दो व्यू मिलता है, माउंटेन फेसिंग का फ्लैट मिलता है और साथ में आपको सिटी व्यू का फ्लैट मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। इसकी अगर मैं कारपेट की बात करूं तो 1 BHK का इसमें जो कारपेट है आपको 4 टाइप का 1 BHK देखने के लिए मिल जाता है, 405 स्क्वायर फीट मिल जाता है, 412 स्क्वायर फीट, 425 और 450 स्क्वायर फीट का इसमें आपको कारपेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लग्जरियस फ्लैट है ये। इसकी अगर मैं 1 BHK की प्राइस की बात करूँ तो 61 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट है। जैसे कि मैंने 405 बताया, ये इसका रेरा कारपेट है, यूजेबल कारपेट इसका 425 स्क्वायर फीट है और जो 450 मैंने बताया था उसका यूजेबल कारपेट 505 है और जो 412 रेरा कारपेट मैंने बताया था उसका 455 स्क्वायर फीट का इसका यूजेबल कारपेट है। प्राइस जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 61 लाख से इसका फ्लैट कॉस्ट स्टार्टिंग है। इसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और इसका पोजीशन चार्जेस इंक्लूड होगा। अगर मैं पैकेज की बात करूं तो मोटा मोटी आपको 1 BHK इस प्रोजेक्ट के अंदर 68 से 69 लाख के पैकेज में आपको मिल जाता है। वहीं अगर मैं 2 BHK की बात करूं तो इसमें 2 एरिया 2 BHK की है। अगर 2 BHK की बात करूं तो 665 का यूजेबल कारपेट है और एक 705 का यूजेबल कारपेट है। इसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था उसका जो कारपेट है वो कारपेट बड़ा था, उसका 684 का रेरा कारपेट था और 790 का उसका यूजेबल कारपेट था। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट है, 2 BHK में भी एक आपको 594 का एरिया मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसका अगर मैं यूजेबल कारपेट की बात करूं तो 665 उसका यूजेबल कारपेट है। इसमें टोटल 2 विंग आ रहा है, ए विंग और बी विंग दोस्तों जो है इसका कनेक्टेड रहेगा लॉबी। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको 7 लिफ्ट मिल जाता है और 2 स्टेयरकेस मिल जाता है। उसमें आपको पर फ्लोर पे 14 फ्लैट मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार है। अगर मैं उसकी पूरी लॉबी ए और बी विंग को कनेक्टेड करके अगर मैं बताऊं तो 6 आपको 1 BHK देखने के लिए मिल जाता है, 2 फ्लैट आपको 1.5 BHK देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एक 2 BHK का जो कारपेट है वो 504 वाला है और 565 का उसका यूजेबल कारपेट है। वही अगर मैं 2 BHK की बात करूं तो 5 फ्लैट आपको 2 BHK देखने के लिए मिल जाता है और 1 फ्लैट आपको 3 BHK देखने के लिए मिल जाता है। 1 BHK का प्राइस 61 लाख से स्टार्टिंग है, 1.5 BHK का 84 लाख से स्टार्ट है और 2 BHK का 97 लाख से स्टार्ट है और 3 BHK का 1,35,00,000 रुपया स्टार्ट है। एक ही एरिया है 3 BHK का और ये सब फ्लैट कॉस्ट मैंने अभी आप सभी को बताया, इसके अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस ये सब चीज़ इंक्लूड होने वाला है। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें एमिनिटीज़ वगैरह आपको क्या मिलने वाला है। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड क्लास 60+ एमिनिटीज़ इसके अंदर आ रहा है। अगर रोप टॉप एमिनिटीज़ की बात करूं तो आपको किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, चेस, स्नैक, लेडर, लूडो, स्विंग, स्लाइड, प्रोजेक्टर स्क्रीन मिल जाता है, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल आपको देखने के लिए मिल जाता है, वॉकवे, जॉगिंग ट्रैक एरिया मिल जाता है, मल्टीपर्पज कोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, लॉन टेनिस, ये सब का एरिया देखने के लिए आपको मिल जाता है रोप टॉप की बात करूँ तो। उसके बाद ग्रीन लॉन, लैंडस्केप गार्डन देखने के लिए मिल जाता है, एमपी थिएटर आपको मिल जाता है, योगा जोन मिल जाता है, स्काई लॉन्ज मिल जाता है आपको, वुडन डेक्स मिल जाता है और ओपन जिम एरिया आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं इंडोर गेम्स की बात करूँ तो इंडोर गेम्स में आपको फिटनेस सेंटर देखने के लिए मिल जाता है, कैफेटेरिया एरिया मिल जाता है, फूड कोर्ट मिल जाता है, स्टीम सॉन मिल जाता है आपको, जुकोजी मिल जाता है, पार्टी जोन मिल जाता है, रॉक क्लाइंबिंग मिल जाता है, जंपिंग बॉन्स मिल जाता है, स्केचिंग एरिया मिल जाता है, टेबल टेनिस मिलता है, स्नोकर्स मिलता है, कैरम, चेस, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, पेट्स प्ले एरिया, सनसाइट, सन पॉइंट मिल जाता है आपको, वाईफाई जोन मिल जाता है, सेल्फी पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 40 माले की बिल्डिंग है और यहाँ से आपको माउंटेन फेसिंग और इसका सिटी व्यू देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो कनेक्टिविटी भी यहाँ से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। अगर कनेक्टिविटी में अगर मैं शॉपिंग मॉल की बात करूँ तो आपको सेंट्रल मॉल
3 मिनट के डिस्टेंस में मिल जाता है, बिग बाजार 3 मिनट के डिस्टेंस में मिल जाता है, गुराई बीच यहाँ से 25 मिनट के डिस्टेंस में मिल जाता है। वही हेल्थ केयर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्बिट हॉस्पिटल 2 मिनट, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल 10 मिनट पे, और प्रगति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 15 मिनट पे देखने के लिए मिल जाता है। स्कूल और कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, सिंगापुर इंटरनेशनल 5 मिनट के डिस्टेंस में मिलता है, एनएल डालमिया 10 मिनट के डिस्टेंस में मिलता है, रॉयल कॉलेज 10 मिनट के डिस्टेंस में मिलता है, रोस्टम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल 20 मिनट पे देखने के लिए मिल जाता है, संत एंथोनी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस अगर हाईवे की मैं बात करूँ तो 60 फीट और 100 फीट वाइड डीपी रोड कनेक्टिविटी हाईवे हो रहा है, जो कि MICL के तरफ से रोड आ रहा है, जो कि थाने और घोड़बंदर को कनेक्ट करने वाला है। 2 मिनट पे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आपको देखने के लिए मिल जाता है, 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल रहा है, 21 मिनट के डिस्टेंस पे आपको यहाँ से मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप रीच कर जाते हैं। बोरीवली अगर स्टेशन की बात करूँ तो 17 से 20 मिनट के अंदर आप बोरीवली स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। बहुत ही लग्जरियस ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। आप सभी से गुजारिश है कि आप सब आइए और एक बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट कीजिए, आप एक बार प्रोजेक्ट देखें। प्रोजेक्ट देखने के बाद आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बना हुआ है। दोस्तों, हम होम लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, हमारा 52 बैंकों से टाइप है। अगर आपको होम लोन भी कराना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा 1 रुपये का भी चार्ज नहीं रहता है। हमारे जो बैंकर्स हैं वो आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स लाना, डॉक्यूमेंट साइन कराना, तो A to Z काम आपको मेरे बैंकर से आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता। दोस्तों, हम रिसेल रेंट कमर्शियल में भी काम करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके दोस्त यार फैमिली किसी को भी अपना फ्लैट बेचना हो, सेल करना हो, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी को रेंट पे फ्लैट चाहिए, दुकान चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट, एक नए फ्लैट के वीडियो के साथ में आऊंगा अपने इस चैनल किप ग्रो प्रॉपर्टी में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ढेर सारा शेयर करें, ताकि और किसी को भी फ्लैट लेना हो, अच्छे रेट में लेना हो और अच्छा चीज लेना हो, तो हमारा वीडियो उनके पास पहुंचे। और बहुत ही ज़्यादा आप सभी का प्यार मिलता है हमारे हर वीडियो के ऊपर, तो आप सभी का मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। दिल से आप सभी को जो है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप सभी ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार दें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, फिर से मैं आऊँगा।